जैसा कि पिछला भाग आपने सुना था, ध्रुपद से कमरे से बाहर निकल गई। शरद चंद चट्टोपाध्याय के उपन्यास अभागे का स्वर्ग अगला भाग शुरू करते हैं। प्रायः अपराह्न के समय माशोय की रौप्य जटित मयूरपंखी बैलगाड़ी जब मैदान में आ पहुंची, तब एकत्र जनसमूह प्रचंड कलरव से कोलाहल कर उठा। वही युवती है, वही सुंदरी है, वह अविवाहिता है, वह विपुल धन की अधिकारिणी है। मनुष्य के यौवन राज्य में उसका स्थान बहुत ऊंचा है, इसलिए यहाँ भी बड़े सम्मान का आसन उसी के लिए निश्चित हो गया। वह आज पुष्पमाला वितरण करेगी, तत्पश्चात जो भाग्यवान इस रमणी के गले में जयमाला को सबसे पहले पहना सकेगा, उसी का भाग्य ही आज जैसे संसार के लिए ईर्ष्या करने की एकमात्र वस्तु होगा। सुसज्जित घोड़ों को पीठ पर लाल रंग की पोशाक पहने हुए अनेक सवार उत्साह और चंचल के आवेग कष्ट को संयत किए हुए थे। देखकर लगता था आज संसार में उनके लिए असाध्य कुछ भी नहीं है। क्रमशः समय समीप आ पहुंचा एवं जो कुछ लोग भाग्य की परीक्षा करने के लिए उद्यत थे, वे सब पंक्ति बांधकर खड़े हो गए एवं क्षण भर बाद ही घंटी के साथ साथ मरने जीने की चिंता त्याग कर उन लोगों ने अपने घोड़े छोड़ दिए। यही वीरत्व है, यही युद्ध का अंश है। माशोय के पिता, पितामह आदि सभी युद्ध व्यवसायी थे। नारी होने पर भी उसकी धमनियों में उन्हीं का रक्त बह रहा था। जो विजय होगा उसे अपना संपूर्ण हृदय देकर स्वागत न करने की क्षमता उसमें नहीं थी। अतः जब दूसरे गांव का रहने वाला एक अपरिचित युवक ने आरक्त कंपित मुख पसीने से भरे हुए हाथों से उसके कंठ में जयमाला पहना दी, तब उसके आग्रह की अतिशयता अनेक संभ्रांत स्त्रियों की आंखों में खटके बिना न रहे। लौटते समय उसने उसे अपने बगल में ही गाड़ी में स्थान दिया एवं सजल कंठ से कहा, आपके लिए मैं बहुत डर गई थी। इतनी बड़ी बड़ी ऊंची दीवारों में किसी भी तरह यदि कहीं भी पांव चूक जाता। युवक ने नम्रता से गर्दन झुका ली, परंतु इस अनुपम साहसी बलिष्ठ वीर के साथ माशोय मन ही मन अपने उस दुर्बल कोमल और सभी विषयों में अपटु चित्रकार के साथ तुलना न कर सके। इस युवक का नाम था पोथिन। बातों ही बातों में परिचय होने पर ज्ञात हुआ यह भी उच्च वंशीय, यह भी धनी एवं उसी का दूर का रिश्तेदार है। माशोय ने आज बहुत लोगों को अपने घर पर संध्या भोज में निमंत्रण किया था। वे सब तथा और भी बहुत से लोग भीड़ किए हुए गाड़ी के साथ साथ आ रहे थे। आनंद के आवेश में उन लोगों के तांडव नृत्य से उठी हुई धूलि से दूसरित मेघ और संगीत के असभ्य निनाद से संध्या का आकाश उस समय एकदम आश्चर्य अभिभूत हो रहा था। यह भयंकर जनता जिस समय उसके घर के सामने से आगे निकल गए, उस समय क्षण भर के लिए वातियन भी अपने काम को छोड़कर खिड़की पर आकर चुपचाप देखने लगा। अगला भाग सुनने के लिए सुना देता हूँ। और पांचवें भाग का हिस्सा है संध्या भोजन के प्रसंग में दूसरे दिन माशोय ने वातियन से कहा, सुनेंगे आगे।